थाने में तो खुद ही बयान दे दिया। खबर तो आ रही है ना, आईडी मिलाई ना। हाँ ये सारे छोटा में सुबह 7 बजे आज और पूरा कंसेप्ट यहाँ से स्कूटी में लाएगा। पूरा डर में आई वो पहले बैठा था यहाँ रुके कहाँ बैठा था क्लोज में फोटो हर चीज नहीं दिखाई बढ़िया जाने लोग खेड़ बैठ गए आराम दे मुझे नहीं पता था चार बेटी एक लड़का चार बेटी और एक लड़का ठीक है 1520 प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी करना तो ये क्या मामला? ये सुबह पता चला कि नेहा नाम की लेडीज थी और उनके हस्बैंड राजेंद्र है, जो राजेंद्र ने उन पर हमला कर दिया कसी से और वो ज़्यादा घायल हो गई थी, तो उनको उपचार के लिए अपना कुरुक्षेत्र सिविल हॉस्पिटल में ले गए जहाँ उनकी दोपहर को डेथ हो गई। कितनी उम्र थी लगभग?
उम्र लगभग 50 के लगभग है, 45-50 साल होगी, इतनी ही उम्र है उनकी। उनके बच्चे हैं, जो मौके पे उनकी लड़की आई थी उनके सामने ही उनके बयान से पता चला कि उनके फादर ने ही उनकी मदर की डेथ की। उनका केस चला हुआ था जो हमें पता चला, और पिछले 6-7 महीने से वो बाहर ही रह रहा था, मृतक का हस्बैंड शाहबाद रह रहा था। तो रात को न ये गुड़िया कह रही कि वो नशे का आदी था, पहले भी कई बार उन्होंने हमला किया था लेडीज पे, और इनका कहना कि सुबह 3-4 बजे के करीब वो यहाँ के पेड़ के पास आके छिप गया था, तो जैसे ही ये लेडीज आई उन्होंने वार कर दिया उस पर। धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया, अभी देखते हैं SHO साहब ने कौन कौन मर्डर की धारा के 302, पहले 302 थी, अभी BNS में जो धारा होगी, जो भी धारा लगेगी उन्हीं के अंदर उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो पोस्टमार्टम होगा? हाँ, अभी उनका पोस्टमार्टम हुआ है, तो देखो उसमें क्या और क्या इंजरी आती है और कौन सी धारा लगती है, जो जो भी एज पर ला जो भी धारा लगेगी हम उसी में कार्रवाई करेंगे। अभी धरपकड़ जारी है, जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। जी।